सो गाइज़, ये चल रही है स्कूटी की चेकिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नई प्लेस हमारी जो कि है भद्राज। और ये हमारी स्कूटी की पूरी वीडियो बननी है क्योंकि ये ली हमने रेंट पे। सो गाइज, हम ये किमाड़ी के आगे आ चुके हैं और हमारे दोस्तों का चल रहा है फोटो शूट, और हमारी गाड़ियाँ ये खड़ी है। सुनील भाई तो रेडी हो गए फोटो वोटो खिंचा के, बहुत तेज आदमी है सारा काम। सलील भाई और ये वैभव क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ बताना चाहोगे हमारे फ्रेंड्स? स्कूटी बंद हो गई थी भाई अभी हमारी, ये तो हटा दे नकाब पोस बदमाश। नहीं नकाब, शकल तो दिखा दे एक बार। शकल भाई हमारी स्कूटी बंद हो गई थी, बड़ी मुश्किल स्टार्ट हुई है। एक स्कूटी चेंज कर लिया, 15 मिनट रुकी। और यहाँ पे और लोग भी जा रहे हैं तो हम भी अब कैचअप करेंगे। आगे हमारे दोस्त खड़े हैं, अगर आप आए तो अपनी बाइक लेके आए, स्कूटी का भरोसे मत बैठना। ठीक है, सुन लो, तो अभी कैचअप करते हैं आगे, क्या कहते हैं दोस्तों को। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहो। हमारे दोस्त मिल चुके हैं, हम उनके साथ सीधे ट्रैक पे मिले हैं। ये है प्रियंका, ये है सोनम, सुनील और आयुष। लकी 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 भाई, नाम भूल गया, सॉरी 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 भाई, इतना सा नाम भूल गया। ठीक है, वो बाकी पीछे आ रहा है वैभव और ये, पता ही नहीं है। अरे यार वो हो गया, दिमाग खराब हो गया भाई आयुष सबसे पहले। अरे आपका नाम शुभम भी था, कोई बात नहीं, होता रहता है। और हमें भद्राज के ट्रैक पे आयुष चुके हैं। हमारी गाड़ी देख लो, ट्रैक देख लो, एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई है। और तुम्हारा भाई ने गाड़ी डाल दी है भाई, आज स्कूटी डाल दी है, पता नहीं क्या होता है। तुम्हारा भाई चल रहा है मस्त, ठीक है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ये भद्राज टेम्पल, और ये रही चारों तरफ से ये घिरा हुआ है पूरी वादियों से। जल्दी से जल्दी देख सकते हो, अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हवाएं चल रही है। ये रहा भद्राज टेम्पल जो कि एकदम सुकून सब है। हम भी आते हैं गाइस, से हाय टू माय व्लॉग्स। पीट कर रखी है गाइस, से हाय टू माय व्लॉग्स। हेलो गाइस, भाई इसमें वो बैंग का थंडर बोल वो भाई, व्यू देख, व्यू फोटो क्लिक हो जरा हमारी। भद्राज, और भद्राज में हम सब एक ही साथ एक ही बात कहना चाहेंगे। एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? गाइस, हम आ चुके हैं भद्राज टेम्पल, ये श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का मंदिर है ये। ठीक है ठीक है, आप देख सकते हो, हम जा सकते हैं। और ये तीनों मूर्तियाँ विराजमान है भगवान श्री बलराम जी की। ठीक है, तीनों मूर्तियाँ हैं, वो शेषनाग अवतार है, वो उनका वाला अवतार है, वो वाला अवतार है, पंडित जी सभी बताया था। ठीक है, और ये देख सकते हो आप वहाँ पे जो व्यू है, आप व्यू देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू है। ठीक है, आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से देखो पूरा पहाड़ कोरो के कोरो बीच। ठीक है, ये देख रहे हो आप व्यू, चारों तरफ बैठ सकते हो, अपना पैर एकदम ठंडे हो रहे, धूप आ रही हल्की हल्की, और मज़ा आ रहा है कोहरे के बीच में। ठीक है, बहुत ही चढ़ाई करनी पड़ गई हमें, कम से कम 10 से 11 किलोमीटर। और ये यहाँ पे हमारे भाई लोग, ठीक है, ये पूरा गोल है। सो गाइस, अब मैं एक जगह शाम पे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था, और इस जगह के को फील करने के लिए मैं शांति से एक दीवार पे जाके टिक गया, और जहाँ पे हवाएं चल रही थी तो मेरे एक दोस्त ने मेरा टाइम लैप्स बनाने में मदद की। तो गाइस, हम भद्राज से नीचे उतर चुके हैं। ठीक है, नीचे जा रहे हैं, मंदिर से हो गए, और इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या बताऊँ। ठीक है, आपको सीन शॉट दिखाऊंगा, बादल आ गए, ऐसा लग रहा था बादल किस कर रहे हैं, भयंकर मुँह के आगे। और हम चले पड़े हैं लोगों को, देखो इनने सबने जैकेट पहन लिया, तुम्हारा भाई बैठा जो सख्त लौंडा चला पड़ा है, तो इंजॉय कर रखा आज का ट्रिप, काफ़ी इंजॉय कर रहा, मेडिटेशन किया कुछ देर बैठ के, उसकी वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, ओवरऑल अच्छा रहा काफ़ी। प्यारा आ रहा है।
पीछे सनसेट देखो पहाड़ों के बीच में। ये तो अभी घर आ गया है और ये देखो सारे गाँव वाँव में आ गया, कितना मस्त आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और ये देखो तुम्हारा भाई है, हमने कम से कम 6-7 किलोमीटर चल दिया है अब, क्योंकि आधे रास्ते हम स्कूटी ले आए थे, बाकी चल रहे हैं चल रहे हैं। ये रहा सनसेट का व्यू और ये रहा पीछे का। बाकी यहाँ पे काफ़ी महंगा है तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके हैं, और थोड़ा सा ये होता है पर्सनल बाइक्स हैं तो पर्सनल व्हीकल्स हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाइक वाइक लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत है, रोड ख़राब है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही।